अलग नहीं छो रहा है, मतलब कि वैसे उन लोगों ने, वो लोग भी अब तक मुझे मेरा साथ दे रहे हैं। और बाकी कौन किसने, बहुत लोग हैं भाई आजकल तो भाई अनसब्सक्राइब करके जा रहे। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। आप सबको सुबह सुबह की बहुत सारी अच्छी अच्छी शुभकामनाएं, आप सबका दिन अच्छा जाए और मेरा भी अच्छा जाए। तो गाइस अभी बजे सुबह के 5 और मैं सुबह के 5 बजे उठ चुकी हूँ क्योंकि स्कूल जाना है और बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए भी सुबह मैं 5 बजे उठती हूँ। तो सुबह 5 बजे उठी थी, अभी बज रहे हैं 6 और इधर के चल में मम्मी ने रख दिया आलू उबालने के लिए नाश्ता बनाने के लिए। ये देखिए, तो आज बनेगा आलू का पराठा, इधर मम्मी बना रही है। तो उधर अभी मम्मी अपना ड्रिंक तैयार कर रही है जो कि मम्मी डेली पीती है, अजवाइन, जीरा, हल्दी, अदरक और भी मिलाती है, दालचीनी और क्या, इलायची और मेथी दाना, सौंफ, ये सब कुछ मिला के पीती है। तो हमें इसका फायदा क्या है, ये ड्रिंक बनाने का? पेट बात नहीं, तोंद रहती है, वो बाहर नहीं निकलता, मतलब कि फैट को ये कम करती है। 15 दिन लगा, 15 दिन मतलब कोई भी चीज हो, एक महीना एक दो महीने लगातार चली जाके फायदा करती है। मेरे पहले 4 दिन बहुत कम हो गया। तो गाइस अभी मैं अभी पानी गर्म करने को रखूंगी अपना, फिर उसके बाद नहाऊंगी। तो अभी अपना पानी रख देती हूँ गर्म करने को, है ना। तो आप पूरे ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। ये सॉफ है। इतने से ठंडा पड़े जितने तू कपड़े पहन के जा रही है, इतनी तो ठंड ना पड़े जितने तू कपड़े पहन के जा रही है। मुंह की रोटियां पहले चला ले अच्छे से। असो गाइस देखो घर का क्या हालत बना रखा है, मेरे एक ही लड़की है घर का, इतना सारा गंदा हालत बना। अब ये जाएगी, पूरा सारा काम मैं समेटूंगी। और ये देखिए चप्पल लेके आई थी, वहां रखा है नया बैग, इसका बैग फट गया था, नया बैग लेके आई है। जल्दी कर बेटा। और आज घर में ना चोर घुसा है, उसको घर से निकालना है। चोर को घुस गया था, गया ही नहीं, तो उसको निकालना है शीतल। और चोर क्या है दिखाऊंगी, मैं दिखाऊंगी। मशीन, इतना पूरी मशीन चूहों ने काट दिया मेरा, अब एक चूहा मशीन में पड़ा हुआ है। जल्दी कर ले यार। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी गाइस। सो गाइस आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मतलब कल से खराब हो रखी है मेरी तबीयत और आज भी खराबी है। कल कम थी, आज ज्यादा खराब है मेरी तबीयत। तो आज मैं शॉर्ट वीडियो नहीं बना पाई और ना ही मैं यूट्यूब में डाल पाई, इसलिए मैं ये लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन भी हो गया कि मैंने लॉन्ग वीडियो आपके साथ शेयर नहीं करी है। और पता नहीं क्यों मन भी नहीं कर रहा था मेरा शेयर करने का, क्योंकि इस वक्त तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। एक तो घर में भी लाइक परेशानी चल रही है और ऊपर से मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है वो इतना ज्यादा डाउन फॉल जा रहा है, इतना ज्यादा डाउन में जा रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही ज्यादा जा रहा है। लोग सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, मतलब कि अगर आप लोगों को अनसब्सक्राइब ही करना है तो फिर भाई सब्सक्राइब क्यों ही कर रहे हो? नहीं मतलब अब मेरा चैनल डाउन जा रहा है तो लोग धीरे धीरे साथ भी ऐसे छोड़ के जा रहे हैं, अनसब्सक्राइब करके जा रहे हैं। मैंने आप लोगों से आज तक कभी कुछ नहीं मांगा है सिवाय आपके सपोर्ट के। मैंने सिर्फ ये कहा कि गाइज आप लोग सपोर्ट करो, सिर्फ एक वन सब्सक्राइब यार, मैंने और कुछ नहीं मांगा कभी भी। इतना मेहनत करती है, इतना ज्यादा, 5 बजे उठ के पढ़ाई करना, फिर वीडियो बनाना, वीडियो को अपलोड करना, तबीयत भी ठीक नहीं है, घर की स्थिति भी ठीक नहीं है। एक बात तो है, जो इंसान मेहनत करता है ना
उसकी कोई मेहनत कदर उसकी कोई कदर नहीं होती है। जो मेहनत नहीं करता है ना, जो जैसे भी वीडियो बनाते हैं डाल देते हैं, लोग उसको देखते हैं, और जो इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता है, कंटेंट हमारे जैसे ही होता है, हमारे जैसे होता, कोई अलग नहीं दिखाते हैं, जैसे हम दिखाते हैं ऐसे वो भी दिखाते, लेकिन उनका इतना ज्यादा जाता है और हमारा बिल्कुल भी नहीं जाता। इस महीने तो हमारा $100 भी नहीं बना के चलो, कम से कम $100 तो बन जाए, $100 भी बनना मतलब इतना मुश्किल हो गया है। तो यही यार कि सच में जिंदगी में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन ये बात तो मैं सच मानती हूँ, जिसको ना पैसे की जरूरत होती है ना, उसको पैसे नहीं मिलते, और जिसको जरूरत नहीं होती उसको भगवान भी बहुत देता है, ये चीज मैंने देखी है। और इस समय हम लोगों को इतनी जरूरत है ना, चलो पैसे तो छोड़ो, पैसे तो हर समय हर किसी को जरूरत होती है, कोई बात नहीं, लेकिन सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर देना, वो चीज काफी ज्यादा दुख रही है मुझे, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है इस बात। अभी हम भी अगर आप लोग कमेंट करते हो शीतल कभी बदलना मत, वो हम कभी नहीं बदलेंगे, चाहे हमें आप अनसब्सक्राइब करो चाहे सब्सक्राइब करो, वो तो हम नहीं बदलेंगे। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता है कि कैसे सब्सक्राइबर्स को गेन करना है, मुझे आता है, बट मैं गलत तरीके से तो नहीं कर सकती ना। हमारे जो ईमानदारी है ना, उसी ईमानदारी पर ही हम चलेंगे, हम गलत तरीके से नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे पास तो बहुत रीजन है वीडियो बनाने के लिए। पर साथ देने वाले लोग भी तो होने चाहिए, नहीं मतलब अगर हमारा चैनल अब डाउन जा रहा है तो लोग अनसब्सक्राइब भी कर रहे हैं, साथ छोड़ रहे हैं। दूसरे लोगों के चैनल क्यों नहीं अनसब्सक्राइब करते, उनके भी कर दिया करो दूसरे चैनल के, क्योंकि वो छोटे छोटे कपड़े पहन के बनाते हैं, इसीलिए हम वो चीज नहीं करते भाई, हमारे हमें हमारे अंदर वो संस्कार है ही नहीं, हम ना वो हमने कभी किया ना अपने बच्चों को हम वो चीज सिखाते हैं, हम यही कहते हैं कोई बात ना बेटा धैर्य रख, आज नहीं तो माता रानी का साथ देंगी, अब देंगी, ऐसी बात नहीं कि नहीं देंगी वो साथ, वो जब इंसान में जब परीक्षा लेती है ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है, लेकिन जब वो साथ देती है ना, संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हम माता रानी से कभी लालच नहीं कि कभी किसी चीज की लालच नहीं, बस यही कि हाँ हमारा घर परिवार चले, बस थोड़ी बहुत दूसरों की हेल्प करें बस। तो जब अभी हमारी नहीं हेल्प हो पा रही है, हम ही खुद किराए के मकान में रहते हैं, हर महीने किराया देना होता है, घर का खर्चा होता है, पढ़ाई का होता है, बहुत कुछ होता, बहुत बैलेंस बना के चलना पड़ता है, वो कैसे करती हूँ मैं अकेली हूँ हमें ही पता है। ये कि मैं स्टडी और वीडियोस को बैलेंस कर लेती हूँ, क्योंकि वीडियोस बनाने का मुझे शौक है, इसलिए मैं कर लेती हूँ बैलेंस, तो एंजॉय एंजॉय में मैं वीडियोस बना लेती हूँ और कर लेती हूँ। व्लॉग्स भी बनाने का शौक है, बस ये कि कोई देखता नहीं है ये है। तो गाइस मैं बस यही चाहती हूँ कि अभी फिलहाल मेरे चैनल का फिलहाल अभी गया बहुत महीने से, लाइक कितने 3-4 महीने तो हो ही गए होंगे, तो 3-4 महीने से मेरा चैनल बहुत ही बुरी हालत में जा रहा है, और इस बुरी हालत में मुझे इस बुरी सिचुएशन में, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ ऐसा हुआ नहीं है, हुआ है, सब लोग अप्स एंड डाउन देखते हैं, मैं भी अप्स एंड डाउन देख रही हूँ और बहुत ज्यादा देख रही हूँ मैं, पर मन में कहीं ना कहीं उम्मीद है कि हाँ चलो आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, बट कल के लिए भी तो लोगों का साथ होना जरूरी है ना। अब जैसे मेरा चैनल का वक्त चल रहा था, आप लोग भी साथ छोड़ रहे हो मेरे चैनल का, पहले अच्छा वक्त था आप लोगों ने बहुत साथ दिया, अब जैसे लाइक बुरा वक्त आ गया है सब लोग अनसब्सक्राइब करके जा रहे हैं, जवाब नहीं देती वो, लाइक नहीं देती, भाई बराबर लाइक देते हैं जवाब भी देते हैं, एक बार बताओ इतने इतने बड़े यूट्यूबर हैं, आप लोग जाते हो कमेंट करते हो, कमेंट के एक लाइक भी देते हैं, वो कमेंट भी नहीं पढ़ते आपके, हम तो पूरा कमेंट पढ़ के लाइक देते हैं कम से कम, वो तो कमेंट को भी इग्नोर कर देते, दुनिया उन्हीं के पीछे भागती, एक बात है जिसकी किसी की जो कदर नहीं करता ना दुनिया उसी पीछे भागती, जो कदर करता है ना दुनिया उसके पीछे कभी नहीं भागती, हर एक चीज कहते हैं ना भगवान के पास जब जरूरत पड़ती है तो भगवान के पास जाके माथा टेकते, जब जरूरत नहीं पड़ती भगवान को कोई पूछता भी नहीं, ये बात तो सच में है, इस दुनिया में ना बहुत मतलबी लोग हैं, और मतलबी लोग अपने ही होते ज्यादातर,
ज्यादातर मैंने यही देखा ना, अपने सबसे ज्यादा मतलबी होते हैं, अपने ही पहले साथ छोड़ते हैं। और लोग कहते हैं कि आप अपने सब्सक्राइबर्स की कदर नहीं करते। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमने कभी गाली दी। मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, उनकी कदर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती, मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आज उनके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। और बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे काफी अच्छे से सपोर्ट करते हैं, मेरी डेली वीडियोस देखते हैं और कमेंट करते हैं और मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। तो मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगी। अगर मैं आज अभी तक चार महीने से मेरा चैनल बहुत ही डाउन जा रहा है, और जितने महीने से मेरा चैनल डाउन जा रहा है, तो आज मैं चैनल में इसलिए ही बनी हूँ ताकि, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है, भगवान पर भरोसा है और मेरे उन सब्सक्राइबर्स पर भरोसा है जो मुझे अब तक मेरा साथ दे रहे हैं। मेरे चैनल जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मेरा साथ अब तक नहीं छोड़ा है, मतलब कि मेरे बुरे वक्त में अब तक साथ दिया है। कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स है जब मैंने अपना चैनल फर्स्ट टाइम चालू किया था, जीरो से लेके अब तक के सब्सक्राइबर्स, और जो मुझसे नए लोग नए कनेक्ट हुए हैं मुझसे मेरे यूट्यूब चैनल से, उन लोगों ने, वो लोग भी अब तक मुझे मेरा साथ दे रहे हैं। और बाकी कौन किसने, बहुत लोग हैं भाई आजकल तो भाई अनसब्सक्राइब करके जा रहे हैं, बट अभी जब मेरा चैनल डाउन जा रहा है, अभी मेरे चैनल को क्या बोलते हैं वो कर रहे हैं अनसब्सक्राइब जब मेरा चैनल डाउन जा रहा है। बट बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरा अब तक साथ दे रहे हैं, लाइक वो मुझे बोलते हैं कि शीतल जी आप टेंशन मत लीजिए, अभी नहीं तो कभी ना कभी तो आपका चैनल ग्रो होगा, आप टेंशन मत लीजिए, व्यूज की टेंशन मत लीजिए, या आप लोग सही कहते हो कि व्यूज की टेंशन मत लो, तो मैं नहीं लेती होती टेंशन। बट अब आईटी स्टूडियो खोलती हूँ ना, तो मन में ना जब खोलती हूँ ना आईटी स्टूडियो, में देखती हूँ कि सब कुछ डाउन जा रहा है, तो चीज ना सीधा दिल में आके लगती है, तो बहुत ज्यादा बुरी लगती है। और स्पेशली जब मैं सब्सक्राइबर्स देखती हूँ ना कि कल से लेके आज तक में इतने कम हो गए, तो और भी ज्यादा मुझे लगता है कि यही लगता है कि जब आप लोगों को अनसब्सक्राइब करना था तो सब्सक्राइब क्यों किया, तो ये चीज ना बहुत ज्यादा लगती है मुझे। अगर आप किसी को सब्सक्राइब कर रहे हो तो ठीक है, सब्सक्राइब करो, बट बाद में सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करने का फायदा क्या है? मैंने आज तक कभी नहीं किया है, मैंने भी चैनल सब्सक्राइब किया है, बट मैंने ये नहीं करा कि नहीं ठीक है उसका डाउन जा रहा है तो सब्सक्राइब कर दिया, ऐसा मैंने कभी किया नहीं है। ये तो साथ छोड़ने वाली बात हो जाती है। हाँ, तो ऐसे हालात पर साथ मत छोड़िए आप लोग प्लीज। अभी मेरा चैनल बेचारा बहुत ज्यादा डाउन में चल रहा है, तो मैं उसका तो अपने चैनल का तो साथ नहीं छोड़ूंगी, इतना तो कंफर्म है। और मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अनसब्सक्राइब ना करें और मुझे सपोर्ट करिए गाइस, और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करिए, क्योंकि इस चैनल की वजह से ही आज मैं यहाँ पे हूँ। वरना जब ये चैनल नहीं था तो कोई भी मुझे नहीं जानता था कि शीतल है कौन, कौन नहीं है, कोई भी नहीं जानता था मुझे, सच्ची में कह रही हूँ। आज इसी चैनल की वजह से सब लोग मुझे जानते हैं कि हाँ भाई शीतल कौन है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुबई सब मैं जानते हैं इसी चैनल की वजह से। तो इस चैनल का तो साथ मैं भाई नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इसने मुझे इतनी पॉपुलैरिटी दिलाई है, तो इसका साथ तो मैं हमेशा दूंगी। बस ये चाहिए कि आप लोगों का भी साथ चाहिए, क्योंकि मुझे पॉपुलैरिटी दिलाने में आप लोगों का भी बहुत हाथ है। सो प्लीज गाइस साथ दीजिए, और जो कमेंट करे उनका कमेंट पढ़ेंगे। हाँ, और जो मेरी नेक्स्ट आएगी ना, नेक्स्ट व्लॉग, अभी मेरी तबीयत खराब चल रही है, बट जो नेक्स्ट मेरा व्लॉग आएगा उसमें मैं ना रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी। बैड कमेंट्स पे तो मैं बहुत बार बना चुकी हूँ, बट इस बार मैं जो गुड और जो फनी कमेंट्स है ना, अच्छे और फनी कमेंट्स, बहुत से लोग मेरे चैनल पर फनी कमेंट्स भी करते हैं, तो आप लोगों के साथ मैंने कभी शेयर नहीं किया, इस बार मैं शेयर करूंगी। तो अच्छे और जो बुरे मतलब कि फनी कमेंट्स हैं, उन दोनों को मिक्स करके मैं एक रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी, जो कि आपको जल्द ही देखने को मिलेगा, और आई होप आप लोगों को पसंद आए। तो उस व्लॉग को जरूर देखिएगा और इस व्लॉग को भी जरूर देखिएगा। ओके, सो मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट व्लॉग में जो मेरा आएगा। ओके,
सो प्लीज सपोर्ट करिए। और वंस अगेन मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को थैंक यू कहना चाहती हूँ उनकी फॉर सपोर्ट के लिए कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। सो थैंक यू सो मच, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए और मुझे अच्छा अच्छा आशीर्वाद दीजिए। और ये भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं बोर्ड एग्जाम में पास हो जाऊँ। सो ओके बाय, टेक केयर, राधे राधे।